यहाँ पर शाहीन नगर उस्मान नगर में कोई भी हेल्प नहीं है। अभी तक के इतने दिन होने के बाद में भी यहाँ कोई भी नहीं आए, किसी ने भी यहाँ हमारी मदद नहीं करी। यहाँ बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे लेकर मजबूर हो गए। अपना राशन मिला, घर में कुछ भी नहीं, जहाँ वहाँ जिधर उधर जिसको मालूम पड़ रहा वो घर में अपने अपने रख ले रहे हैं। बहुत परेशान है यहाँ पर पूरी तमाम लेडीज परेशान है। छोटे छोटे बच्चे मारे मारे भूखे फिर रहे हैं। यहाँ पर हर लेडीज रास्ते पर निकल चुकी है। आई रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज यहाँ पर कुछ हेल्प कीजिए आप। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वार्ड मेंबर 7 उस्मान नगर, शाही नगर उस्मान नगर के अंदर यहाँ गरीबों के ऊपर कोई लाके देने वाला नहीं, लाके कोई करने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं है। यहाँ पर इंदिरा सविता रेड्डी जो है यहाँ पर जो है आकर जो है देखे और जो है लोगों की मदद करे। यहाँ पर आकर ये जो है यहाँ पर लोग आकर देखे, यहाँ के वार्ड मेंबर मैडम आके कोई हेल्प नहीं करे। यहाँ पर कोई काउंसलर आके नहीं करे। यहाँ पर कोई कुछ नहीं देख रहा है। इधर सब दूर 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 है। फोन भी किए तो कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। गरीब वहाँ जो है घरों में बैठे हुए है। लोगों के ऊपर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। कोई गली से दूसरी गली को नहीं जा सकते, कुछ नहीं है। यहाँ कोई मदद करने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह के रसूल के सदके में इन सबको जो है गुजारिश करिए और मदद करिए सब लोगों के ऊपर। इधर गरीबों पर रहम फरमाइए। ये एरिया टीआरएस का काउंसलर का है। ये टीआरएस कांग्रेस टीआरएस काउंसलर का है। ये एरिया उस्मान नगर शाही नगर को आता है। ये एरिया टीआरएस पार्टी के तरफ।